अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है अररिया इमाम न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, बिहार में लोकसभा चुनाव होने वाला है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चार विधायक आरजेडी में शामिल होने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहां पीछे रहने वाला है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरजेडी को तगड़ा झटका पहुँचाने वाला है। कहाँ से, किस तरीके से और कैसे आरजेडी को तगड़ा झटका का पहुंचाने वाला है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। दोस्तों, आपको बता दूं, अररिया लोकसभा में इस बार काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। यहां इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। दोस्तों, अररिया लोकसभा पिछले कई दशक से कभी आरजेडी कभी बीजेपी, लेकिन इस बार अररिया लोकसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। दोस्तों, अररिया लोकसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी और राशिद अनवर हो सकते हैं। इसलिए आरजेडी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से अररिया लोकसभा में तगड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं, अररिया लोकसभा में 6 विधानसभा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2020 विधानसभा में 6 विधानसभा में से 5 विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ जीत जो कि हार से मिली थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उम्मीदवार अररिया विधानसभा में तीसरे और रानीगंज फारबिसगंज नरपतगंज चौथे नंबर पर थे। दोस्तों, अररिया लोकसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संगठन काफ़ी मजबूत है, इसलिए बताया ये जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाला लोकसभा में अररिया लोकसभा से अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आप इस खबर के मुतालिक क्या राय रखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।